जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे, माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, आज दिन है बुधवार और डेट है 10 जनवरी और सुबह के 8:30 बज रहे हैं। अभी तक हम किचन में लगे हुए थे अपने पति देव के लिए। सब्जी, चावल, रोटी हमने रेडी कर दिया, उनका टिफिन भी पैक कर दिए और उन्होंने भोजन भी कर लिया। अब वो निकल रहे हैं ऑफिस के लिए और जब तक किचन में थे तब तक ठंडी नहीं लग रही थी। जैसे ही अपने किचन के काम ख़त्म हुए ना सुबह वाले, वैसे इतनी तेज़ ठंडी लगी तो हम स्वेटर भी पहन लेते हैं, साड़ी पिन भी लगा लेते हैं और थोड़ा सा अपने बॉडी में भी कुछ ना कुछ लगा लेते हैं। वैसे तो नहाने के बाद ना ठंडी होना बहुत ही ज़रूरी है, तो हम नींबू और ग्रीसलीन मिला करके रख लेते हैं, उसी को ना थोड़ी सी लगा लेते हैं हाथ पैर और चेहरे में भी, वही लगा लेते हैं। जय माता दी गाइस, चलते हैं माँ भगवती की पूजा करते हैं, भोले बाबा की पूजा करते हैं, आप लोगों को भी मंदिर के दर्शन कराते हैं। पूजा करने जा रहे थे लेकिन मनु आ गए नहा करके, तो हमने सोचा इनका पहले ड्रेस निकाल देते हैं। और बाहर ना इतनी तेज़ हवा चल रही है और कोहरा भी है, थोड़ी थोड़ी ना सुबह से बारिश भी हो रही है। लेकिन स्कूल की तरफ से मैसेज आ गया है कि आज इन लोगों का स्कूल है, तो इनको भी जल्दी रेडी कर देते हैं। इसके बाद आ गए हैं मंदिर में, तो यहाँ पर कर लेते हैं पहले भोले बाबा की पूजा। वैसे तो सुबह से हमारे पति देव ही भगवान जी को नहला जाते हैं और चंदन टीका भी लगा जाते हैं। इसके बाद ना हम फूल, बेल पत्र और जितनी भी पत्ती वगैरह लाते हैं सब चढ़ा देते हैं और मंदिर भी अपना सजा देते हैं। इसके बाद कर लेते हैं माँ भगवती की आरती। और दिमाग लगा हुआ है कि अभी अपने किचन के भी काम बाकी हैं, क्योंकि आज 10 दिन बाद है, बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं और मनु का कहना है कि माँ हमारे लिए अप्पे बनाना। हाँ, इसमें दारू शुरू हो जाने। तेजी से बजाओ। तो हमने यहाँ पर 2 कटोरी रवा और थोड़ी सी दही था, तो दही, रवा और नमक फेंट करके रख लिए हैं। और यहाँ पर नारियल की चटनी भी बना ली है, क्योंकि इनको ना नारियल की चटनी बहुत ही पसंद है। तो जल्दी पहले बना लेते हैं अप्पे। और अप्पे के सांचे में लगा रहे हैं यहाँ पर हम कड़ुआ तेल। और हमारे बच्चों को ना अप्पे बहुत ही पसंद है। कृष्णा को तो नहीं इतने पसंद है लेकिन मनु को तो बहुत ही पसंद है। कहते हैं माँ आप हमको खाना ना बना करके दो, हमको डेली अप्पे ही खिलाओ। शंख ना इससे ज़बरदस्ती ही बजवाते हैं। हमारे पापा जी कहते हैं कि शंख बजाने से ना जो कभी कभी बात करने में अटकता है तो अटकेगा नहीं। तो यहाँ पर पापा जी गए थे गांव, तो गांव से ले आए थे आंवला। ये अपने गांव का ही आंवला है, यानी हमारे गांव में ना, यानी अपनी ससुराल में मकान के सामने ही आंवला का पेड़ है, तो वहीं से पापा जी ले आए थे। तो हमने आंवला भी बॉयल कर लिया है। अब देखिए बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, इसके बाद हम सोचेंगे कि इस आंवले का हम क्या बनाएं। पहले तो दिमाग में आ रहा है कि इसका अचार बनाएं। हम सोच रहे हैं अचार ना बना करके इसका हलवा बनाते हैं, क्योंकि पिछले साल ना जब हम भिक्षा मांगने जाते थे तो अपनी एक यही बहन रहती, वहीं हम ये हलवा खाए थे, यानी आंवले का हलवा खाए थे। और उन्होंने ना बहुत अच्छे तरीके से बनाया था, लेकिन हम तो इतने अच्छे तरीके से नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर भी हम ट्राई आज करेंगे कि कैसे बनता है। तो यहाँ पर जल्दी इनका टिफ़िन पैक कर देते हैं। कह रहे हैं मम्मा थोड़ी सी पहले हमको खाने को भी दे दो, तो जल्दी इन लोगों को पहले खिला पिला देते हैं। इसके बाद बच्चे गए स्कूल और थोड़ी सी हमने ना बेसन फेंट लिया है, एक आलू भी हमने काट लिया है। यहाँ पर हम काट लेते हैं पालक और अपनी सासू माँ के लिए ना पालक की पकौड़ी भी बना देते हैं। हमारी सासू माँ को ना मुंगौड़े हैं, पकौड़ी हैं, बहुत ही पसंद हैं, तो भजिया टाइप ही बना लेते हैं। तो जल्दी अपने ये भी काम कर लेते हैं। दूध वाले भैया है आ गए थे, तो वही हम बोल रहे हैं कि भैया जी रख दीजिए, डाल रहे हैं। अभी हाथ में ना पालक लगी हुई है, पहले हाथ अपने साफ कर लेते हैं तभी दूध डालेंगे। इसीलिए ना हाथ उठाए उठाए अटक गए थे और कैमरा तो ऑन ही था। तो चाय भी हमने रख दिया है पकने के लिए और आंवला भी हमारे ठंडे हो गए थे, तो इसके भी बीज निकाल लेते हैं। और इसी तरह ना आंवला बॉयल करके आप अचार भी बना सकते हो 1 हफ्ते के लिए। आंवले का अचार भी बहुत ही टेस्टी बनता है और पेट के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। आंवला कूट करके आप इसका चूरन भी बना सकते हो, लेकिन आज ना हम इसको बनाएंगे सिर्फ हलवा ही बनाएंगे। और हमारी मलाई भी काफ़ी इकट्ठा हो गई थी, लेकिन ये छोटा है कटोरा, हम सोच रहे हैं बड़े कटोरे में डालें, लेकिन हम सोच रहे हैं इधर से उधर करने में ना और काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसी में हम मलाई को मत लेते हैं। थोड़ी सी ना इसमें गर्म पानी डाल देते हैं, वैसे ना ठंडियों में मलाई भी बहुत परेशान कर लेती, बड़ी मुश्किल से मक्खन निकलता है। तो थोड़ी थोड़ी ना इसमें गर्म पानी हम डालते जा रहे हैं, इसके बाद ही मथेंगे। और गर्म पानी डालने से ना तुरंत हमारा मक्खन भी निकल आएगा। तो ये देख, ठंडियों में अगर लगातार आप काम में लगे रहो तो सही रहता है, अगर कुछ समय के लिए बैठ जाओगे ना तो आपको और भी बहुत ठंडी लगेगी। इसीलिए ना आज
पूरे 4 घंटे से हम किचन में खड़े खड़े अपने काम कर रहे हैं। आज हम सोच रहे हैं बैठेंगे नहीं, खड़े खड़े ही ऐसे काम करते रहेंगे अपने किचन के। तो हमारा मक्खन भी निकल आया है और ऐसे ठोंक ठोंक करके इसको निकाल रहे हैं। देखिए गर्म पानी डाल करके ही निकाले हैं, लेकिन बिल्कुल पिघला नहीं है, कितना टाइट हमारा मक्खन निकला हुआ है। अब हम रख देते हैं मक्खन पकने के लिए। अब हम जल्दी बना देते हैं सासू माँ के लिए गर्मा गर्म यहाँ पर पकौड़ी, और एक तरफ हमारा पक रहा है यहाँ पर मक्खन, तो बस निकलने वाला है यहाँ पर घी। और हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। सो गाइस आप लोग भी आ जाइए, चाय और पकौड़ी यहाँ पर रेडी है। और आज ना हम जूड़ादारी बने हुए हैं सुबह से, ऐसे ना फोल्ड करके जूड़ा ही बांध लिए थे, क्योंकि ठंडी हो या गर्मी कभी कभी ना बालों से भी बड़ी उलझन सी होने लगती है। लेकिन अगर बाल न रहे ना तो हम बहनों की ना सुंदरता कुछ कम हो जाती है। हमने सोचा एक आलू और काट लेते हैं, थोड़ी ज़्यादा ही बना देते हैं सासू माँ को। सबका नाश्ता हो गया, हम भी अपने निकाल लिए हैं बहुरी चने की, और चाय भी हमारी गर्म हो रही है। सो गाइस आप लोग भी आ जाए, टाइम ना 11 है बज रहे हैं, अभी तक ना आज बिल्कुल धूप नहीं निकली हुई है। आज सुबह से ना किचन के काम करते करते ना टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चला, 11 बज गए। तो जल्दी पीते हैं पहले चाय, गर्म पानी पी करके हम लग गए थे किचन में। लेकिन जब तक ये चाय की घुट्टी नहीं मिलती है ना, तब तक कुछ अधूरा सा रहता है। इधर हमारा मक्खन भी पक रहा है। मक्खन पकने के बाद ना इसी कढ़ाई में हम बना लेंगे आंवले का हलवा। सो गाइस आप लोगों के साथ आज आंवले की हलवा की रेसिपी शेयर करेंगे। फर्स्ट टाइम हम बनाने जा रहे हैं आंवले का हलवा। कई जगह ना हमने खाया था बट हमने बनाया नहीं था, तो पहले पीते हैं। सो गाइज हमने घी निकाल लिया, और घी निकालने के बाद ना जो हमारा खोआ बचा हुआ है इसी कढ़ाई को हमने स्लो गैस में ही रख दिया है, और इसमें हम डाल देते हैं अपना आंवला। आंवले को हम 10 मिनट तक अच्छे से भून लेते हैं। इसके बाद बीचों बीच इसमें शक्कर भी ऐड कर देते हैं। आंवला शक्कर 10 मिनट तक आराम से भूनते रहें। भूनने के बाद ना देखिए एकदम से रेड हो गया है, और यहाँ पर हमारा हलवा भी बन करके तैयार हो गया है। आप चाहो इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल सकते हो, लेकिन हमने कुछ भी नहीं डाला है। तो पहले देते हैं अपने सासू माँ को, और हमारी फ्रेंड यहीं पर रहती है, उन्होंने कॉल किया है कि शोभा आओ, बहुत ही ज़रूरी काम है। तो हम सोच रहे हैं लेकर के हलवा चलते हैं, उनको भी थोड़ी चखाएंगे। सो गाइज हम आ गए हैं अपनी बहन के यहाँ, और यहाँ पर हमारी काफ़ी बहनें आई हुई हैं। यार नए साल की खुशी में ना हम लोग पार्टी कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बहन अब हैप्पी न्यू ईयर, सब लोग ना हमें एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। और यहाँ पर हमारी बहन ने देखिए कितना आइटम सब रखा हुआ है, हमने तो सोचा भी नहीं था कि इतना आइटम है। हम तो सिर्फ ये हलवा लेकर के आए थे कि सब बहनों को चखाएंगे, टेढ़ा मेढ़ा वाला हलवा है हमारा क्योंकि इतना अच्छा हमको समझ में नहीं आया, फर्स्ट टाइम हमने बनाया है, हमको कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ हमने दीदी के यहाँ खाया था, ये खाओ ये खाओ ये, हाँ गाइस ये देखिए वाह, अब पार्टी चल रही है, पार्टी इसको वो रखा विधवा मीना को भी नहीं आए इस पार्टी में, हम तो बहुत पसंद है। ये जल्दी आती नहीं, लेकिन आज इसको जबरदस्ती लेकर के आए हैं। इसी दिन भाई हमारे यहाँ भी पार्टी रहेगी, गर्मा गर्म चाय पकौड़ी बढ़िया, जो आप लोगों की फरमाइश हो वही हम बना के। पर सुनो इसका इसका श्रेय मुझे जाता है, मैंने सबसे पहले फोन किया था, आ रही हूँ घर। मोटू जी हमारा मन कर रहा था कि आज कहीं जाए, ये मोटू जी हम ब्लाउज है, ये नहीं हमारी दीदी ने इतना सब बना के रखे। आई लव यू दीदी, और इधर खाने में लगे पड़े हैं। देखो देखिए गाइस हम लोग ना पार्टी मनाने कहीं नहीं गए हैं, बंद रूम में हम लोग पार्टी मना रहे हैं, इससे बढ़कर के क्या हो सकता है ना दीदी। मोटू जी मोटू जी पतलू जी बुढ़ाऊ जी नहीं दीदी आप बूढ़े नहीं हो, ऐसे मत बोला करिए, हमको अच्छा नहीं लगता है। अपने आप को कभी बूढ़ा नहीं साबित करना चाहिए, अपने आप को हमेशा यंग साबित करना चाहिए ना। जय श्री राम, जय श्री राम, वैसे भी राम राम में हो रहे हैं हम सब, जय श्री राम, हम सारे खाने में लगे हैं भैया, जय श्री राम, जय श्री राम, हमेशा खुश रहना है। निकालो 22 को चल नहीं रहे हो?
हो अयोध्या जी? अयोध्या जी वाइस को तो नहीं जा पाएंगे भाई, हम लोग हमारे मंदिर में हम सब अयोध्या नगरी चलो चलते हैं अयोध्या, आप वहां राम जी जब बुलाएंगे तभी जा पाएंगे। ऐसा करेंगे हम लोग यही स्वागत करेंगे मंदिर में, बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम लोग नहीं जा पाते हैं तो यही कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है? सो गाइस आप लोग भी आ जाइए, आप लोगों का भी स्वागत है इस पार्टी में दीदी जी के यहाँ। हेलो करो, हेलो करो, सेल्फी सेल्फी ली जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, पैसों के लिए हम भी यूट्यूब में हैं, हम लोगों की अपनी खुशियां हैं, हम लोग उसमें कैद करते हैं फोन में। तो एक आउट किस लिए है, घर ना लुटवा लेना। पैसों के लिए हम यूट्यूब में नहीं आए गाइस, हम महका करेंगे, चमका करेंगे, दिखा करेंगे, दिखा करेंगे। आ जाइए आप लोग भी, गर्मा गर्म समोसे की पार्टी चल रही है। आज हमारी दीदी जी ना हम लोगों पर बहुत मेहरबान है, पता नहीं क्या बर्थडे है। सुनो ये बताना चाहती हूँ, रोज मारती हो आज मेहरबान, समझो बात को, पॉइंट पकड़ती है। बंद रूम में हम लोगों की पार्टी भी, आज हम लोगों ने पार्टी में खूब इंजॉय किया है। और इसके बाद हम लोग आ गए हैं पार्क में, तो दीदी जी के मकान के सामने ही ये पार्क है, तो यहाँ पर हम सब बहनें मौज मस्ती से फुल एंजॉय कर रहे हैं। और थोड़ी थोड़ी ना धूप भी निकल आई हुई है। तो हम लोग ना अब आ गए हैं पार्क में, दीदी के मकान के सामने ही पार्क है, तो यहाँ पर ना हम लोग आ गए हैं। बहुत ही अच्छी, थोड़ी थोड़ी धूप निकली हुई है, अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग यहाँ पर मौज मस्ती कर रहे हैं। आप लोग भी सुन लीजिए, हम लोग यहाँ भजन भी गाए हैं। मंदिर बन गया राम लला, अयोध्या सजने वाली है। सो गाइस बहुत भाग्यशाली है हम लोग कि जो ये इस पल के साक्षी बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 500 सालों से प्रतीक्षा थी सबको। बिल्कुल, और हम भाग्यशाली है कि जो हमारी पीढ़ी को ये सब देखने को मिला। बिल्कुल बिल्कुल, बोलो एक बार जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे में आ जाना भाई, जरा बोलो। ब्लॉग का एंड भी करेंगे, ब्लॉग पसंद आए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, हमारी बहनों को ऐसे ही प्यार देते जाइएगा। जय माता दी गाइस।